हर माह की भांति आगरा के सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों ने अपनी फरियाद अधिकारियों के समक्ष रखी। फरियादियों की फरियाद को आज जल्द निस्तारण को लेकर समस्त विभाग के अधीनस्थ को एसडीएम सदर परीक्षित खटाना ने दिशा निर्देशित किया और जल्द ही जल्द समस्या के समाधान की फरियादियों को आश्वासन भी दिया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ मौजूद थे। जो शिकायतें प्राप्त हुई है वो सभी विभागों से संबंधित है, उसमें पुलिस विभाग भी है, राजस्व विभाग भी है, आपके विद्युत भी है, नगर निगम भी है। सभी विभागों से संबंधित शिकायतें हमारे पास आई है। उसके संबंध में विभाग के अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद है संपूर्ण समाधान दिवस में, उनको आदेशित कर दिया गया है कि गुणवत्तापरक जो है शिकायतों का निस्तारण किया जाए। उसके अलावा मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि तहसील सदर में हम संपूर्ण समाधान दिवस की एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, जिसमें जो एक से अधिक बार जो शिकायत हमारे पास आती है उसको रेड इंक से मार्क किया जाएगा। जो मोहर उस पर होगी रेड कलर की होगी, और जो पहली बार जो शिकायत या एप्लीकेंट जो आ रहा है उसको ब्लू इंक से मार्क किया जाएगा। उसके बाद उसको जो प्रथम बार जो शिकायत आ रही है उसको संबंधित विभाग पहले अपना मंतव्य लिखेगा उस पर, उसके बाद उच्च अधिकारी के पास वो आएगी एप्लीकेशन। और जो दूसरी मतलब एक से अधिक बार जो एप्लीकेशन आ रही है वो आख्या सहित सीधा उच्च अधिकारी के पास आएगी। उच्च अधिकारी उसकी आख्या देंगे, उसके आख्या पढ़ने के बाद वो संबंधित विभाग के अधिकारी को यहाँ पर दिशा निर्देश देंगे, जिससे जो बार बार जो शिकायतें आती हैं या जो गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो नहीं पा रहा है उसमें हम एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। कहा जाए तो आज कितनी शिकायतें कौन कौन सी है? अभी क्योंकि तहसील संपूर्ण समाधान दिवस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो शिकायतों का जो अभी शिकायतें आती जा रही हैं, हमने यहाँ पे जो शिकायतें मौके पर निस्तारित कर सकते थे उनका मौके पर निस्तारण किया है। बाकी जो हम निर्देश हम जो अपने अधीनस्थ अधिकारी है संबंधित विभागों के, उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि आप गुणवत्ता पर इसका निस्तारण करें समस्या। हाँ, कुछ एक शिकायतें हैं जो रिपीट और जो काफ़ी जैसे संपूर्ण समाधान दिवस में जो रिपीट होती है उसी के दृष्टिगत हमने जो ये नया जो व्यवस्था लागू करने का जो फैसला किया उसी के दृष्टिगत किया।